हरिद्वार में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ साथ गंगा और इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए जनमानस में एकता के संदेश को लेकर गंगा रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देश आज तेजी से विकसित होकर विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इसमें युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए गंगा रन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प कि हम सब मिलकर के देश को श्रेष्ठ, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाए, ऐसा देश का आह्वान किया है। आज नमामि गंगे जो गंगा के अविरल बनाए रखने और गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यशस्वी तरीके से काम कर रही है, उनके तत्वावधान में आज ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस पवित्र स्थल पर किया गया है। वहीं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने हरिद्वार में रन फॉर यूनिटी में भाग लिया और राष्ट्रीय एकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। उसका उज्जवल है, बेहतर है, भेल का कोई निजीकरण नहीं होना है। भेल पहले भी मैं यहाँ आया था, कुछ रूपा छोड़ के एक विपक्षी दल के लोग चले गए थे, मैंने उस समय भी उत्तर दिया, आज भी उत्तर दे रहा हूँ, कड़ाई से उत्तर दे रहा हूँ, ऐसा कोई स्वप्न में भी विषय नहीं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने BHEL के निजीकरण के अटकलों को विराम देते हुए कहा कि BHEL अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने BHEL के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। पहले भी मैं यहाँ आया था, कुछ रूपा छोड़ के एक विपक्षी दल के लोग चले गए थे, मैंने उस समय भी उत्तर दिया, आज भी उत्तर दे रहा हूँ, कड़ाई से उत्तर दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष प्रेरणाएं दी हैं और माननीय गृहमंत्री जी ने संपूर्ण देश की सभी संस्थाओं को, उपक्रमों को एक विशेष निर्देश दिया है कि अमृतकाल के राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत उल्लास के संग मनाया जाए। उसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के लोगों ने आज भेल की यहाँ आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस में कार्यक्रम संपन्न हुआ, शपथ पत्र संकल्पित किया गया